नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिन से हो रही लगातार बारिश ने प्रदेश को बेहाल कर दिया है। गोरखपुर समेत 18 जिलों की स्थिति बेहद खराब है। करीब 1370 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, खेती किसानी पर भी इसका बेहद खराब प्रभाव पड़ा है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जलभराव के बीच लोग जीवन की जद्दोजहद कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में कई फीट तक पानी भरा है और खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। लोग सुरक्षित आश्रय की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बारिश की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग को अनुमान था कि अक्टूबर में 1.2 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन इससे कई ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। पिछले 30 साल में अक्टूबर में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस साल अक्टूबर महीने में दर्ज हुई है। इन सब के बीच प्रशासन और एनडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा है। शहर शहर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है और इस राहत बचाव कार्य के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। सीएम अब तक कई गांव का दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर चुके हैं और पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के साथ अधिकारियों को भी हर संभव सहायता मुहैया कराने के निर्देश दे चुके हैं। यूपी बाढ़ से लाचार है तो मोर्चे पर सरकार है। पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार आगे आई। किसानों को हुए नुकसान की कैसे होगी भरपाई, उत्तर प्रदेश लाइव में करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जो है वो जुड़ेंगे और चर्चा इसी बात पर होगी कि बाढ़ की जिस त्रासदी से इस वक्त उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, 18 जिले और 1300 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं, क्या वहां तक सभी को मदद पहुंचाना, जो नुकसान हुआ है, आर्थिक हानि हुई है, जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उन तक सहायता पहुंचाना और कितनी तेजी से सहायता पहुंचाना संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री तो खुद यहाँ पर फील्ड में उतरे हैं, लेकिन कितनी कारगर होगी मुख्यमंत्री की ये यात्रा जो बाढ़ प्रभावितों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान जुड़े हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जादौन जुड़ गए हैं। नावेद शिको वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहां पर जो हमारे साथ राजबीर सिंह जादौन जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे जानना चाहूंगी क्योंकि इस बाढ़ से जो है सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं, तो कितना नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होती है या अभी तक हो पाई है, इसकी जानकारी वो सबसे ज्यादा सही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। राजबीर जी जी नमस्ते सभी साथियों को। जी बिल्कुल, ये असमय बरसात है, ये बरसात का समय नहीं है, फिर भी लगभग 20 जिले ऐसे हैं जो ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह बारिश हुई है, व्यापक बारिश हुई है। बाढ़ नहीं है तो खेतों में पानी जरूर रुका है, भरा हुआ है। हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ 20 अक्टूबर तक दलहन की बुवाई हो जाती है। आज 20 अक्टूबर क्या 20 नवंबर तक बुवाई होने का कोई चांस नहीं है, खेतों में पानी भरा हुआ है। तो भले ही नदियों में बाढ़ नहीं है लेकिन खेतों में पानी भरा हुआ है। तो मेरा अपना मानना है कि नदियों के माध्यम से, खेतों के माध्यम से पूरा प्रदेश लगभग इस समय अति वर्षा जो हुई है, असमय वर्षा हुई है, बड़े मात्रा में वर्षा हुई है, उससे प्रभावित है। ठीक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी फील्ड में उतरे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कायनाथ जी कि जैसा दिख रहा है लोगों, माननीय मुख्यमंत्री जी है, हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे थे कुछ तक, लेकिन फील्ड में देखा जाए जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उतना संवेदनशील नहीं लग रहा जितना संवेदनशील हमें प्रदेश का मुखिया लग। कहीं ना कहीं सरकार शासन और प्रशासन के कामों में कहीं ना कहीं गैप। आप बलरामपुर बहराइच से लेकर के पूरा इलाका जो हमारा घाघरा का राप्ती का है, देख लेना। तो सक्रियता है लेकिन जो एक्चुअल जो गाँव में जो वास्तविक पीड़ित है, जहां पर कहीं कोई अधिकारी पहुंचता है, कोई मंत्री पहुंचता है, वहां पर सारा सिस्टम लगा दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल जरूरत उस आदमी को है जिसके पास कोई पहुंच नहीं पा। हमारे संगठन के लोगों को हमने लगा रखा है, आप लोग भी अपने स्तर से मदद करिए और सरकार की जो मदद पहुंच रही है उसको उन तक पहुंचाने में सहयोग करिए। हम लोगों का एकदम पॉजिटिव सोच है इस समय और हरदम रहती है कि इस समय परेशानी में है पूरा प्रदेश,
अकेला नदिया नदी किनारे के लोग नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जहां पर पानी ज्यादा बरसा लेकिन जैसे अभी आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में और अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप देख रहे हैं कि इतनी तत्परता के साथ में और इतनी सक्रियता के साथ में सभी एक्टिव हैं, या पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भी आपने इस तरह से देखा ये सक्रियता दिखाई दी? नहीं, ये कंपेरिजन करने का समय तो नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रश्न किया है तो बताऊंगा जरूर। जो दिख रहा है उसको कहना पड़ेगा। सक्रियता अगर हेलीकॉप्टर से दिख रही है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमें सक्रियता उन गांव में, उन गलियों में, उन सड़कों पर, उन खेतों में दिखना चाहिए जहां पर एक्टिव लोग प्रभावित है। ये काम तो पहले वाली सरकारें भी करती रही, लेकिन हम उनसे भी हम कहते रहे और इस सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि एक्चुअल जो पीड़ित है वहां तक लोग पहुंचने का काम करें। ठीक बात है, प्रचार प्रसार होना चाहिए, फोटो खींचना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अब कहीं कहीं पता चला लंच पैकेट में उन्होंने कहा 3 पूड़ी निकली। ये बिल्कुल हम नहीं मानते कि सरकार की कमी है, एक लंच पैकेट में 3 पूड़ी निकलना सरकार की कमी नहीं है, लेकिन जो प्रशासन लगा हुआ व्यवस्था में जिनको टेंडर दे रखा, ठेका दे रखा लंच पैकेट बनाने का, उन लोगों की उदासीनता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कहां जाएगी? आएगी तो सरकार को। हमारा अपना मानना है कि सबसे पहले फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए, लोगों को खाने पीने की रहने की व्यवस्था हो, इसके बाद जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके बारे में भी सरकार इतनी ही तत्परता से सोचे जितनी तत्परता लगी हुई। ठीक है अश्वनी जी, जितना होना चाहिए दिखाई ज्यादा दे रहा है धरातल पर, लेकिन उतना काम नहीं हो पा रहा है। जो वाकई में जो नीडी हैं वहां तक जो है रसद नहीं पहुंच पा रही है, पहुंच नहीं हो पा रही है। देखिए, कहना चाहूंगा कि हमारे जादव साहब ने ये तो माना कि मुख्यमंत्री जी सक्रिय हैं, लेकिन अब वो दिखेगा नहीं इनको जो पहले दिखा करता था, जो मजमा लगता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अब डीबीटी का माध्यम अपनाया। ये किसानों के खाते में सारा पैसा जाता है सीधा, अब वो ड्रामा नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था ड्रामा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 876 करोड़ रुपए जारी किए गए और उसमें क्या है ये भी बता रहा हूं। कुछ दिन पहले सूखे की स्थिति हो गई थी कैनाच, तो ये सूखे की भी स्थिति है। अभी जो बाढ़ की स्थिति है इसमें 207 करोड़ रुपए की डिमांड आई थी और उसमें 207 करोड़ में 159 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं डीबीटी के माध्यम से। 48 करोड़ की किस्त अभी जारी की गई है कुछ दिन पहले, और ये सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें हम एक कैटेगरी बनाया है कि हेक्टेयर वाइज अगर किसानों को जो हम 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देंगे जी। जो 12 मासी फसलें हैं उसमें 22,500 रुपए देंगे, जिसकी भैंस दुधारू पशु है उसमें 37,500 देंगे, बकरी वगैरह है, भेड़ सुअर है तो 4,000 रुपए देंगे, और गैर दुधारू पशु पर बछड़ा गधा टट्टू है तो इसमें 20,000 देंगे। मुर्गी पालकों को अभी ध्यान रखा गया है, 100 रुपया प्रति मुर्गी के हिसाब से हम उनको भुगतान करेंगे। ये क्षतिपूर्ति की बात है। इससे घर भी गिरे हैं, तो 1,20,000 रुपया क्षतिपूर्ति घर के लिए है, जिसका घर गिरा है उसके लिए 1,20,000 रुपया दिया गया है। जनहानि हुई है तो 4 लाख रुपए दिया जा रहा है, अंग भंग में 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए प्रावधान किया गया है। ये तो पहले की सरकारें भी करती आई है ना, इसी तरह से क्षतिपूर्ति करती की गई है। तो मतलब क्या क्षतिपूर्ति न की जब पहले की सरकारें करती थी तो ये डीबीटी का माध्यम नहीं अपनाती थी और आधा रह जाता था कहीं और, आधा चला जाता था। अब जो जा रहा है सीधा किसानों के खाते में जा रहा है, इससे सरकार भी खुश, किसान भी खुश। कहीं बीच में कोई सारा दलाली बंद हो गया, जो पिछली सरकार में कमीशन खोरी का कांड होता था वो सारा बंद हो चुका है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमारे किसान भाई भारतीय जनता पार्टी के उस नारे से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इधर जो ये आ रहा है इसमें सबका प्रयास भी शामिल हो गया है, सब लोग मिलकर डीबीटी के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। ठीक है अश्वनी जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ, मोहम्मद तारिक आपसे भी आपका पक्ष लूंगी, नावेद जी को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। तो बाढ़ प्रभावित यूपी को किस प्रकार से सरकार राहत दे रही है, किस रूप में पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट।